पेड़े दोनों हाथों से ही आप चेक करें जरा। हाँ तो भाई लोग अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजय अफसर और मैं सून वैली से, और सीन कुछ ऐसा है कि अभी लाहौर में मौजूद हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना यार लाहौर का जो नाश्ता काफ़ी फेमस है तो क्यों ना जाकर लाहौर का नाश्ता किया जाए। तो आज मैंने प्लान बनाया कि जो मदनी के पेड़े हैं वो ट्राई करने हैं, और उसके साथ हम हलवा पूरी ट्राई करेंगे, और वो भी अंदरून लाहौर में जाकर। तो चलिए चलते हैं वहाँ ही, आपको दिखाते हैं कि लाहौर का जो नाश्ता काफ़ी मशहूर है, तो चलते हैं वहाँ ही अंदरून लाहौर में और वहाँ से नाश्ता करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज लाहौर में देसी नाश्ता किया जाए। तो हम अंदरूनी लाहौर की तंग गलियों से गुजरते गुजरते पहुँच गए मदनी मक्खन वाले पेड़े और चाटी की लस्सी पे। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये दिल्ली गेट के बिल्कुल साथ ही बाबा जी ने रेडी लगाई हुई थी, जो कि 27 साल पुरानी थी और ये काफ़ी मशहूर भी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से आज नाश्ता किया जाए। तो माशाल्लाह ये अपने हाथों से चाटी की लस्सी तैयार कर रहे हैं। हाँ तो भाई लोग फाइनली हम पहुंच गए हैं मदनी मक्खन वाले पेड़े जो हैं वो सामने, अगर आप देख सकते हैं वो है दिल्ली गेट, बिल्कुल दिल्ली गेट के साथ ही इनका जो है वो रेडी वगैरह इन्होंने स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि इन्हें यहाँ पर कितना टाइम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? गुलाम मुर्तजा। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर पेड़े बनाते हुए? 28 साल हो गए। ये मक्खन वाले पेड़े हैं? हाँ जी, मक्खन वाले पेड़। इसमें क्या है, इतनी खासियत है कि यहाँ पे रश नहीं मुकता? बस आपकी दुआ, चीज सही है, खालिस है, मिलावट नहीं इसके अंदर, एक नंबर सौदा हमारा। तो ये आप देख सकते हैं ये वाले पेड़े दोनों हाथों से ही आप चेक करें जरा, और देखने में तो काफी लजीज और मजेदार लग रहे हैं, और अभी टेस्ट करते हैं इनका और आपको जायका जो है वो भी बताते हैं कि इनका जायका कैसा है। नाम तो काफ़ी सुना हुआ है कि मदनी लस्सी वाले यहाँ पर आप आए नाश्ता करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए भाई ट्राई करते हैं यहाँ का नाश्ता। तो फाइनली आ चुका है, तो भाई लोग फाइनली हम साइड पे जा रहे हैं। यहाँ पर यार कुर्सियाँ और टेबल वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन मैंने प्लान बनाया कि यार सामने जो है इनका जो शाही हमाम है, तो उसकी दीवार पे हम बैठ के जो नाश्ता करेंगे, देसी नाश्ता और शाही हमाम की दीवार पे ज़रा मज़ा दुबाला करते हैं। तो भाई लोग ये इनकी प्लेट है, हाथ में मक्खन है, शक्कर है और हाथ में एक कुल्चा है, सही है। तो अभी ये ट्राई करते हैं। तो लस्सी लाना मैं भूल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना यार साथ में लस्सी भी लाई जाए और देखा जाए कि मक्खन के साथ लस्सी का टेस्ट कैसे लगता है। तो बस लस्सी तैयार हो रही है हमारी, और फिर लस्सी के साथ नाश्ता शुरू करते हैं और आपको इसका टेस्ट बताते हैं। हाँ तो भाई लोग फाइनली हमारे पास मदनी के जो लस्सी और मक्खन आ चुका है, तो अभी हम ट्राई करने जा रहे हैं। या नाम तो काफ़ी सुना है कि यहाँ से अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा।
तो चलिए भाई ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह सबसे पहले हम मक्खन के साथ लगाते हैं और साथ में शक्कर लेंगे। पहली बार ले रहा हूँ यार, काफी अच्छा टेस्ट है, मजा आ रहा है। जैसे नाम सुना हुआ है तो ये अपने नाम पे पूरा उतर रहे हैं और बहुत मजे का टेस्ट है। अभी ऊपर से लस्सी पीते हैं और आपको इसका भी जायका बताते हैं। ये तो गुड हो गया, अभी इसमें लस्सी के ऊपर मक्खन इन्होंने डाला हुआ है। यार लस्सी इतनी मजे की नहीं थी, नमकीन लस्सी थी और मज़ा नहीं आया लस्सी का। तो यार अगर मक्खन की बात करें ना तो ये एक नंबर मक्खन है, बिल्कुल असल यानी मक्खन है जिसका जायका बहुत मज़ा कुलचे के साथ लग रहा था मुझे तो। अगर नंबर की बात करते हैं तो मैं मक्खन को 10 में से 9 नंबर दूंगा और लस्सी को तकरीबन 1 नंबर दे दूंगा यार। तो भाई लोग फाइनली ये नाश्ता करने के बाद अब हमारा प्लान बना, क्यों ना हम अंदरूनी लाहौर में देसी घी की जो हलवा पूरी तैयार होती है वहाँ पर चले। तो फिर हम निकल गए यहाँ से मेहर बशीर हलवाई के पास। रास्ते में आप जो ये रश देख रहे हैं ये तारा लस्सी की दुकान पर रश है जिनकी लस्सी अपनी मिसाल आप है। हाँ तो भाई लोग सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं पहुंच चुका हूँ अंदरून लाहौर में मेहर बशीर हलवाई के पास। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर, इनका नाम काफ़ी सुना होगा यार के यहाँ से अगर आपने लाहौर में हलवा पूड़ी खानी है तो आप यहाँ से देसी घी वाली हलवा पूड़ी खा सकते हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, इनसे बात भी करते हैं और आपको टेस्ट करके भी बताते हैं इनका जो टेस्ट है जायका वो कैसा है। चलिए भाई अंदर। तो अगर लोकेशन की बात करें ना तो ये अंदरूनी लाहौर में मौजूद है, मुझे इसकी करंट लोकेशन तो नहीं पता लेकिन आप अंदरूनी लाहौर में आके जिससे भी पूछेंगे मेहर बशीर हलवाई की जो शॉप है देसी घी वाली हलवा पूड़ी जो तैयार करते हैं उनकी शॉप कहाँ पे, तो वो आपको इसका एड्रेस बता देंगे। तो हाँ भाई लोग फाइनली हमारे पास आ चुकी है ये देसी घी की हलवा पूड़ी, तो अभी हम ट्राई करने जा रहे हैं आपको इनका जायका भी बताते हैं। पहली बार लेते हैं ये पूड़ी है हलवे के साथ हम टेस्ट कर रहे हैं और उसका जो जायका है वो भी आपको बताते हैं। यार हलवा पूड़ी तो बहुत ही खाई है लेकिन इसका जो जायका है वो बहुत बहुत मज़ेदार है क्योंकि ये देसी घी की है, तो आपको पता चल जाएगा इसका जायका कैसा होगा। अभी चने के साथ ट्राई करते हैं, एक बार लेते हैं। जो बाइट है वो हलवे और चने के साथ मिक्स करके लगाते हैं और फिर देखते हैं इसका जायका कैसा बनता है। लेवल हो गया अभी खाएं तो हलवे और चने के साथ मिक्स करके खाएं, बड़ा मजा आएगा। आप भी लाहौर की हलवा पूड़ी खाने के शौकीन है तो यहाँ पर आप विजिट लाजमी करें क्योंकि देसी घी की जो हलवा पूड़ी है ना यार मैं कहता हूँ कमाल हो गया, बहुत लेवल का टेस्ट है।
मैंने भी काफ़ी ज़्यादा हलवा पूरी ट्राई की है, लेकिन इसका जो जायका है ना वो मैं कहता हूँ कि बहुत मज़े का है। और आप मेरे चैनल पर आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसी अपडेट लाता रहता हूँ। तो इसके साथ वीडियो का अख्तिताम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।